यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। आज योगी सरकार ने विधेयक पेश किया। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रदिशेष संशोधन विधेयक पेश किया। अपराधों में सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया। संकेत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी? सरकार ने आज जो विधानसभा का सत्र की शुरुआत हुई, एक अहम विधेयक पेश किया है। इसमें यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक है। दरअसल ये 2017 में जिस तरीके से योगी सरकार ने यूपी में लव जिहाद पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई थी, उसके बाद में 2021 में एक विधेयक लेके योगी सरकार आई थी। अब उस विधेयक में संशोधन ये किया जा रहा है कि उसमें ताउम्र जेल होगी, और उस विधेयक के तहत जो धाराएं हैं उनमें सजा बढ़ाने का प्रस्ताव इस विधेयक में सीधे तौर पर दिया गया है। और इसकी योगी सरकार की सीधी मंशा यही है कि इस विधेयक के माध्यम से जो इस तरीके के जो अपराध हैं उनको रोका जा सके। यही मंशा है सरकार की, और इसी के तहत ये विधेयक आज पेश किया गया है। संशोधन विधेयक है और इस पर आगे चर्चा होगी और उसके बाद इसे पास कराने के लिए योगी सरकार लगेगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यूपी में अब लव जिहाद को लेकर एक और ज्यादा सख्त कानून आ रहा है, और जो लव जिहाद में दोषी पाए जाते हैं उनको ताउम्र की जेल होगी, यानी कि आजीवन कारावास होगा। और जो तमाम अन्य इसी लव जिहाद के तहत तमाम अन्य उसमें भी सजा बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए संकेत।